अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो वीवर्स? आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आप सब भाइयों को जुमा मुबारक हो। अभी हम बच्चों को स्कूल छोड़कर आए हैं और दो मिनट के लिए जहाँ रुके हैं इंडस नहर पर। आज मौसम बड़ा प्यारा है, धूप निकली हुई है तेज़। मैंने कहा चलो दो मिनट धूप सेक लें, उसके बाद मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, वहाँ कुछ दवाई लेनी है, बच्ची बीमार है उसके लिए दवाई लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी होगी घर को। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया, हमारे साथ रहें। जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? माशाल्लाह जी, है हमारे पा रमज़ान सब्ज़ी वाला, हमारे गांव में है, गांव के हैं जी, और हमारे गांव में ही जी सब्ज़ियाँ बेचते हैं। पा रमज़ान, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ठीक ठाक हो? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। की सब्जी खवा रहे हैं पिंड वालों नु? बस जिहड़ी सा खुश होकर खान वही खवाई दी है। अच्छा, जिहड़ी किसे नूं जरूरत होवे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह तेरी रोज़ी बरकत देवे जी। आमीन। ते की रेट शेट चल रहा सब्जियां दे? गोभी दा की रेट है? गोभी 100 दी 3 किलो आ। अच्छा, एदी तस्वीर बनाओ। अच्छा माशाल्लाह, गोभी तो सोहनी है, पता लगे गोभी आई है। माशाल्लाह देखो A1 चीज़ है। नहीं नहीं, गोभी सोहनी है। ते अपना अमरूद कैसे लाए? अमरूद 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, चलो। गोभी है की अपना 30 रुपए किलो, 100 दी 3 किलो। अच्छा, ते अपना शलजम? शलजम 100 दा 4 किलो। ठीक हो गया। ते मटर दा की चल रहा रेट? मटर 130 रुपए किलो। अच्छा चलो, बैंगन ले लाया। ते किलो इस तरह करो, सानू अमरूद भी देवो, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ते हो तो भी इसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह, शुक्र अदा दा। ठीक है प्यार प्यार भी भाई, अभी हम जुमे की तैयारी करने लगे हैं और इंशाल्लाह जुमे के बाद मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहें। जी प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि हम दोपहर के खाने के लिए एक रेसिपी बनाने लगे हैं, जिसके अंदर मिक्स सब्ज़ियाँ हैं और साथ चिकन है और साथ मकरोनी है, और इंशाल्लाह जुमे के बाद यहाँ आके देखेंगे कि ये रेसिपी कैसी बनती है, इसलिए हमारे साथ रहें। जी प्यारे व्यूअर्स, अभी हम नमाज़ जुमा अदा कर रहे हैं और इधर से हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की लग रही है। आप लोगों ने भी खानी है तो आ जाए। जी प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? दोस्तों अभी हम अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, असल में रात को पानी की बारी है तो उसकी कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, खाल शाल की भी, और कोई मुआ शुआ खुला है तो उसको बंद करेंगे। आज धूप बड़ी तेज़ निकली हुई है। जी माल्टों का बाग है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं बाग माल्टों के, इसमें मौसमी भी है और फ्रूटर के दरख्त भी हैं और थोड़े बहुत किन्नू भी होंगे। मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, मौसम आज तो सख्त धूप निकली हुई है, 2-3 दिन आगे भी धूप है, 2-3 दिन के बाद फिर एक सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा, जिससे मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश होगी,
बाकी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। वो सिस्टम इस वक्त ईरान पर मौजूद है, 2 से 3 दिन के बाद वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। जैसे मुल्क के बलाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, मिंडी, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। अभी तक हमारे इलाके में तो मौसम बदस्तूर खुश्की जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह रहमत की बारिशें अता फरमाए, क्योंकि इस साल भी सर्दियों के अंदर बारिशें नहीं हुई हमारे इलाकों में। इधर मुल्क के जनूबी इलाकों में ना मौसम खुश्क जा रहा है। प्यारे व्यूअर्स, एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।